केएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी हमारे साथ हैं। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर अगर देखें तो काफी संख्या में यहां पर इनके समर्थक चारों तरफ आपको नजर आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर जहां कहीं भी देखेंगे तो काफी संख्या में यहां पर महिला, पुरुष, वृद्ध और युवा सभी समर्थक इनके जो यहां पर है वो इनके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। साथ में दिनेश साहू जी भी हमारे साथ हैं जो कि बहुत ही सक्रिय हैं और इस पार्टी के महासचिव हैं। आइए बात करते हैं जयराम महतो जी से और लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। काफी धूप चल रही है आप लोगों की, जहां कहीं जा रहे हैं काफी समर्थक जुट रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा क्षेत्र की जनता से? देखिए, हमारा लोकसभा एक पलायन का क्षेत्र है और हमें लगता है कि हमारे लोकसभा मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ना कि ऐसी पॉलिटिक्स ओछी पॉलिटिक्स पर बात होनी चाहिए। आज की लोकसभा की बात करें तो लगभग 250 जबकि हमारे गिरिडीह में ही कई क्षेत्र हैं जहां रोजगार के साधन हैं। कहीं बोकारो में कहीं बारूद है, कहीं गैस है, कहीं कोल्स है, गिरिडीह में कहीं पत्थर से हैं, कहीं फैक्ट्रियां हैं। अगर धनबाद की तो फिर बात ही मत कीजिए। कुल मिलाकर अगर बेहतर लीडरशिप मिले तो सदन में इस बात को रखे, हमारे पास क्या रिसोर्सेस है, उन पर किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, इस पर अगर सुरक्षा मांगे केंद्र से, और सुरक्षा देना केंद्र का काम भी होता है। बाकी स्टेट को सुरक्षा मिला है, नागालैंड को 370 के तहत मिला है, झारखंड के मिनरल्स को इस प्रकार जो लोन की छूट मिली है उसको सुरक्षा मिलता और उसमें रोजगार के माध्यम से मैक्सिमम झारखंडियों को अवसर मिलता, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्लान होता। हमारे दर्शक आपसे सुनना चाह रहे हैं, क्या जयराम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? एक संकटात है हम लोग के चुनावी राजनीति में आने का, राज्य की बागडोर को भी संभालने का, नेतृत्व करने का प्रयास करेंगे। आपके जो चुनावी मुद्दे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन अतिरिक्त बात अगर की जाए अन्य दूसरी समस्याओं की, लोकसभा क्षेत्र की जो गंभीर समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वो कौन कौन से हैं आपकी नजर में? सबसे पहला बात है भूमि अधिग्रहण भी एक विषय है। मनमाने ढंग से यहाँ जमीनों को ले लिया जाता है योजना के माध्यम से, उन पर एक साथ तत्काल होगी। मानव का सबसे बड़ा संपत्ति जमीन ही होता है, 40-50 साल होता है, जमीन 4,700 लोगों के पास है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। विस्थापन पर बात होनी चाहिए, पलायन पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, ये सब मुद्दों के साथ शिक्षा पर बात होनी चाहिए, इन सब मुद्दों के साथ हम रेडी करने की तैयारी है। जहाँ कहीं आप जाते हैं काफी भीड़ और हुजूम लगता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं कहीं विरोध भी आपके सामने देखने को मिलता है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? सबसे पहली बात है, बेशक भारतीय लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही को दिखाना चाहते हैं, ये गलत है। लोकतंत्र की मर्यादा ये नहीं है, बिल्कुल लोकतंत्र की जिस प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नागार्जुन ने उनके सामने कविता पढ़ी थी कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी के समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं, उनके सामने खड़ा होकर बोला था, उनके जन्मदिन के दिन बोला था, लेकिन पंडित नेहरू मुस्कुराकर सुन रहे थे, ये होते लोकतंत्र। लेकिन आज देखिए, अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप कहीं कोई कार्यक्रम किए तो आपके लगभग चुन चुन के एफ आई आर किया जाएगा, तो ये लोकतंत्र का विषय नहीं है। लोकतंत्र हमारे संविधान में जिक्र है, लेकिन उसका रातों पर बात कहा जाए कि जिनके पास सत्ता है, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, लगता है कि ईडी उनके साढ़ू भाई हैं, ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र के मूल्यों का अवहेलना कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और युवाओं का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेने के कारण आज उन्हें देखिए मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, धर्म जात के नाम पर उन्हें मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए युवाओं को तार्किक बन के सामने आना होगा, देश के मुद्दों पर बात करना होगा। देखिए सारा परिवार पर कोई बात नहीं कर रहा है, आज कई हजार लोगों ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन बोले ना धर्म और जात जब बीच में आता है ना तो लोग मुद्दों को भूल जाते हैं, और बखूबी सेंट्रल पार्टियां जानती हैं कि किस मुद्दे के साथ जेन्युइन मुद्दों को ढांप देना है, भावनाओं के साथ कैसे खत्म कर देना है। बताइए सारा पीपी ने बात कर रहा है, आज कई हजार लोग आत्महत्या कर चुके हैं, और अगर पैसा नहीं मिलता है निवेशकों को तो मुझे लगता है भविष्य में कहीं वो कई हजार और ना बड़े आत्महत्या की संख्या। इसी देश में जब कोरोना का टाइम होता है उस समय अडानी की संपत्ति बढ़ती है, अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति बढ़ती है, और जब गरीब आदमी अधिकार की बात करता है तो उसे कहता है तुम देशभक्त नहीं हो यार, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। ठीक है, सर देशभक्त की परिभाषा है, अगर देश को सच में किसी के सेक्रीफाइस से त्याग से अगर देश मजबूत होता है तो उनको भी त्याग करना चाहिए था, लेकिन उनकी संपत्ति अगर बढ़ रही है दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ी आबादी को धोखे में रखकर लोग राजनीति कर रहे हैं। जहां कहीं भी आप जाते हैं हर जगह युवाओं का हुजूम आपके पीछे और आपके साथ साथ चलता है, युवाओं के अतिरिक्त अगर बात की जाए तो जो और दूसरे वर्ग के लोग हैं क्या उन लोगों का समर्थन आपको मिल पा रहा है? हर एक वर्ग में, क्योंकि सब देख रहे हैं कि पहली बार कोई लड़का आया है जो ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जो किसी को उठाने की साहस नहीं, हर एक वर्ग का हमें सहयोग मिल रहा है और हमें उम्मीद है हम लोग अच्छा रिजल्ट। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि जैसे प्रमुख मुद्दों पर आप किस तरह से काम करेंगे आने वाले समय? देखिए सबसे पहला जहां कृषि पर मैंने हमेशा प्राथमिकता दिया है, और मेरा भी मानना है ये भारत किसानों का देश है,
किसानों का देश है। आज खेती जब बंजर पड़ रही है और हमारे पास डैम के बहुत ही अनगिनत सोर्स है।